नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्ञान। तो दोस्तों, फाइनली सैमसंग ने अपनी जो मॉन्स्टर सीरीज जो कि M31S वो आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी M31S के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले हम अगर बात करें इस M31S की डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक 9.3 mm का जो स्लीक डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका जो बैक है वो इनके जो प्रीवियस मॉडल्स थे वैसा ही है, सेम ग्लास और प्लास्टिक दोनों का एक मिक्स वर्जन जिसे सैमसंग ग्लास्टिक फ्रेम बोलता है। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन है वो पूरा ग्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। दोस्तों, फ्रंट में हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर हमें दो कलर्स में ये फ़ोन अवेलेबल होगा, एक है माइरेज ब्लैक और दूसरा है माइरेज ब्लू। तो ये दो कलर हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि दोस्तों सैमसंग के ऑलमोस्ट हर एक फ़ोन्स में जो उसकी डिस्प्ले होती है वो उसकी मेन हाईलाइट होती है, और वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। दोस्तों, यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD+ सुपर AMOLED इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी M21, M31S और M31 में हमें यू शेप की जो इन्फिनिटी डिस्प्ले वो देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर हमें इन्फिनिटी ओ यानी कि जो पंच होल वाली डिस्प्ले है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और तो और दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है वो काफ़ी प्रीमियम दिखने में लगती है। और तो और दोस्तों, इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 420 nits, और तो और इसका जो कंट्रास्ट रेशियो है वो भी 78,960:1 का है। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, और तो और सैमसंग की सुपर AMOLED है, तो यहाँ पर कलर्स भी एकदम पंची होने वाले हैं, और तो और ब्लैक्स भी बिल्कुल डीप होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो फिर से दोस्तों, यहाँ पर M21, M31 और M31S की तरह ही हमें Exynos का 9611 प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 10 nm पर बेस्ड है, और तो और माली G72 MP3 GPU के साथ में ये आता है। और तो और दोस्तों, ये प्रोसेसर वैसे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और तो और डे टू डे टास्क में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6 और 128 GB वाला, और तो और 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला। यहाँ पर जो रैम टाइप है वो LPDDR4X रहने वाली है, और तो और जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 वाली है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, दो सिम और उसके साथ एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो। और तो और दोस्तों, ये जो मेमोरी कार्ड है आप उसको अप टू 512 GB तक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसका जो सबसे मेन हाइलाइटिंग एरिया और मेन हाइलाइटिंग पॉइंट, वो है इसका कैमरा। तो यहाँ पर दोस्तों, सैमसंग ने इस बार 64 MP का सोनी का IMX682 सेंसर यूज़ किया हुआ है इसकी बैक में, और तो और 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर कर सकता है। और दोस्तों, मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि इस बार हमें वो जो 2-2 MP वाले जो कैमराज होते हैं जो वैसे भी कुछ काम नहीं आते, सैमसंग ने इस बार डेप्थ कैमरा और तो और मैक्रो कैमरा दोनों ही 5 MP के यूज़ किए हुए हैं। तो शायद हमें इनसे अच्छा आउटपुट मिलेगा इनके जो प्रीवियस मॉडल थे उनकी कंपैरिजन में। और तो और दोस्तों, यहाँ पर कैमरा के रिगार्डिंग काफ़ी फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हो गया सिंगल टेक, जो कि सैमसंग इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप कर रहा था। तो ये सिंगल टेक बेसिकली क्या है दोस्तों, कि ये जब भी आप सिंगल टेक प्रेस करोगे तो ये एक फ़ोटो खींच लेगा, कुछ टाइम तक ये आपकी जो मूवमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करेगा, और अपने आप ही कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर देगा, और तो और कुछ छोटे छोटे वीडियो सैम्पल्स भी ये क्रिएट कर देगा, जैसे कि बूमरैंग और वैसे। तो ये सब जो फीचर्स है वो डायरेक्टली आपको क्या
कि आप सोशल मीडिया के लिए आपको डायरेक्टली ये फोटोज रेडी करके दे देगा, आपको कोई भी फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो और दोस्तों, ये काफ़ी सारे फोटोज एक ही बार में खींच लेगा, तो आपको ये भी आसानी होगी कि आप अपनी मनपसंद फ़ोटोज को आप चूज़ कर पाओगे, जो कि बेस्ट मोमेंट में वो फ़ोटो शूट हुआ होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम बात कर लें इसके फ्रंट कैमरा की, जो कि इसकी पंच होल डिस्प्ले के अंदर है, तो ये भी है 32 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर दोस्तों, इस बार कैमरा में तो कोई भी कमी छोड़ी नहीं है सैमसंग ने, काफ़ी अच्छी और बढ़िया कैमरा ये M31 है सबने साथ में लेकर आता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर इस बार बैटरी में भी हमें बहुत अच्छा अपग्रेडेशन देखने को मिला है। हालांकि बैटरी कैपेसिटी है वो तो सेम ही है अपने प्रीवियस मॉडल्स की, जो थी सेम 6000 mAh, लेकिन चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमें इस बार फास्ट देखने को मिलेगी। इस बार हमें जो सैमसंग के जो प्रीमियम मॉडल्स थे S20 लाइनअप, वहाँ पर हमें 25 वॉट का जो चार्जर देखने को मिलता था, इस बार वही चार्जर हमें इसके साथ इन द बॉक्स देखने को मिलेगा, 25 वॉट का चार्जर, जो क्लेम करता है कि ये 0 to 100 सिर्फ 97 मिनट्स में कर सकता है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव बात है दोस्तों, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है और 97 मिनट्स मतलब कि वन एंड हाफ आवर हो गया। तो सिर्फ 1.5 आवर में आप 0 to 100% चार्ज कर सकते हो, और इसकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी बड़ी है 6000 mAh की, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इस बार हमें इसके साथ रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, कि आप अपना जो फ़ोन है M31s, उससे आप कोई भी दूसरा डिवाइस चार्ज कर सकते हो। ऑल्दो ये काफ़ी बड़ी बैटरी अपने साथ में लेकर आता है, खुद एक पावर बैंक जैसा ही फ़ोन है, तो आप इसकी मदद से दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। रिवर्स चार्जिंग के साथ में भी ये फ़ोन आता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, जो 6 और 128 GB वाला जो मॉडल है, उसकी प्राइस है 19,500 रुपये। और तो और जो इसका हायर वेरिएंट है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस है 21,500 रुपये। और ये फ़ोन आप ख़रीद सकते हो अमेज़ोन पर 6 अगस्त से, जो कि आपको पता ही होगा अमेज़ोन के जो प्राइम डे है, तो ये प्राइम डे लॉन्च वाले दिन ही लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपने ओपिनियन के बारे में, तो फ़ोन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस अपने साथ में लेकर आता है। साथ ही साथ अपने पुराने वर्जन्स थे वहाँ पर उससे कुछ मामलों में ये फ़ोन अपडेट के साथ आया है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और तो और डिस्प्ले भी बहुत अच्छी यूज़ की है इस बार इन्फिनिटी ओ वाली। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि 19,500 रुपये थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगता है। अगर ये फ़ोन 17,000 या 18,000 में लॉन्च हुआ होता तो बहुत ही बढ़िया रहता, एक बढ़िया डील बन जाती, लेकिन 19,500 रुपये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा प्राइस लगती है। खैर, आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि ये प्राइस पे ये फ़ोन जस्टिफाई होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर देना, और तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। जय हिंद।